जोधपुर के राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा वुमेन हेल्थ हाइजीन एंड वेलनेस पर सेमिनार आयोजित की गई। यह सेमिनार खासतौर से छात्राओं के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें कृषि विश्वविद्यालय के जोधपुर, नागौर और सुमेरपुर की करीब 250 से अधिक छात्राएं और महिला स्टाफ ने हिस्सा लिया। इसमें महिला हेल्थ हाइजीन, महिलाओं से संबंधित मानसिक परेशानियों और महिलाओं के अधिकारों के बारे में अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई। छात्राओं के लिए वुमेन हेल्थ एंड वेलनेस के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया, उसमें इस क्षेत्र की जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको आमंत्रित किया गया और उनको मोटिवेशन लेक्चर और हेल्थ के बारे में कॉन्शियस करने के लिए, जागरूकता के लिए लेक्चर की व्यवस्था की गई। NHEP एक प्रोजेक्ट है, नेशनल हेयर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, उसके तहत प्रोविजन था कि ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करें हम, तो इसमें हमारे तीन कॉलेज है, सुमेरपुर, नागौर और जोधपुर, तीनों कॉलेज में जितनी गर्ल्स है और हमारी यूनिवर्सिटी में जितना फीमेल स्टाफ है, लोगों को बुला के महिलाओं के और बच्चों के हेल्थ के बारे में ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हुआ, बहुत ही फ्रूटफुल रहा, करीबन 250-300 लोग इसमें उपस्थित थे। हम पेपर में पढ़ते हैं, नेट में देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में होती है जो हम करते भी हैं, पर हम लोग उसको यूटिलाइज कितना करते हैं। यहाँ पे सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो अपनी वेलनेस को और हेल्थ और हाइजीन का ख्याल रखते हैं, तो हमने उनको जो किट प्रोवाइड करवाया, उस किट के अंदर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जो एक जनरल हाइजीन और वेलनेस को ध्यान में रखते हैं। तो और ये हेल्थ और हाइजीन हमारे ज़िंदगी में अगर हम लोग इस चीज़ को अपना लें तो शायद हमें डॉक्टर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे जो हमारे बच्चे आते हैं वो गांव से बिलोंग करते हैं, उनको ये भी पता नहीं कि उनका ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, और जो एज हम जानते हैं कि टीनेज के सारे बच्चे हैं हमारे जो कॉलेज के बच्चे हैं, जो मॉर्निंग सेशन था उसमें हमने पूरे मोटिवेशनल स्पीच रखे हैं, तो बच्चियाँ जो गाँव से आती है, यहाँ अकेली रह रही है, उनको इन सब चीज़ की बहुत ज़रूरत थी जो आज हमने फर्स्ट सेशन में करवाई है। तो अभी जो सेकंड सेशन है वो मेटा थेरेपी पे है, तो वो लड़कियों को बताएगी कि कैसे हम इनके जो इमोशनल जो इनके आते हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उस पे बेसिस है आज पूरी की ये जो वर्कशॉप है।